हाय गाइज, आज थोड़े बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज थोड़े हम बात करने वाले हैं पबजी के कुछ ग्लिचेस के बारे में, कुछ सीक्रेट लोकेशन के बारे में। जब से पबजी में न्यू अपडेट आया है, 2.0 मैप को ऐड किया है, जब से कुछ ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ न्यू सीक्रेट लोकेशन देखने को मिल रही है। चलिए गाइज, मैं आपके बारे में बताते हैं कौन से वो सीक्रेट लोकेशन और कौन से सीक्रेट ग्लिच जिनको आप यूज करने वाले हैं। आप अपने गेम प्ले को अच्छा खासा यूज कर सकते हो, अपने रैंक को इजिली पुश कर सकते हो और आप इजिली अपने गेम में सर्वाइव कर सकते हो। चलिए गाइज, बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले गए, अब बात कर लेते हैं पहले ग्लिच के बारे में। गाइज, आप मिलिट्री बेस में तो आते होंगे। गाइज, जैसे आप यहाँ पर मिलिट्री बेस में आते हो, उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर इस लोकेशन पर आ जाते हैं, तो गाइज आपके यहाँ पर इस लोकेशन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्लिच देखने को मिलेगा। गाइज, जैसे आप यहाँ पर इस लोकेशन पर आने के बाद में इस जगह पर आप आते हैं, तो गाइज आपके यहाँ पर जो प्लेयर है ऑटोमेटिकली इस पानी के नीचे चला जाएगा। गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो प्लेयर है, यानी मेरा जो प्लेयर है, ऑटोमेटिकली पानी के अंदर चला जाएगा। गाइज, जब से न्यू ग्लिच आया है, यानी जब से न्यू अपडेट आया, जब से ग्लिच वर्क कर रहा है, हो सकता है पबजी का भी इस ग्लिच को फिक्स कर देगा। अगर आप चाहते हैं अपनी रैंक वगैरह पुश करना, तो गाइस आप यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, या आप किसी भी सामने वाली टीम से यहाँ पर इजीली बच सकते हैं। और उस टीममेट को, यानी उस टीम को आपके बारे में पता नहीं होगा, और कोई भी आपके यहाँ पर पास में आ जाता है तो आपको कोई भी किल वगैरह नहीं कर सकता। गाइस, जैसे आप यहाँ पर अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्लेयर है ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। गाइस, आप यहाँ पर इस तरह से इस ग्लिच को वर्क, यानी इस ग्लिच को यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं फिर से इसको करना, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। फिर से यहाँ पर मैं जैसे ही उसके पास में आया, खड़ा हुआ, तो मेरा जो प्लेयर है ऑटोमेटिकली इस पानी का, यानी इस ज़मीन के अंदर चला गया है। ज़मीन के अंदर जो पानी वगैरह देखने को मिल रहा है सब में, तो गाइस आप यहाँ पर इस तरह से इस ग्लिच को भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्लेयर है ऊपर आ जाएगा इजीली। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप इसको देखने के बाद में आप यहाँ पर अपने और आपके टीममेट वगैरह को इस ग्लिच के बारे में पता नहीं होगा, तो वो भी आपको देखने के बाद में ऑटोमेटिकली यानी शॉक हो जाएगा, मेरा जो टीममेट है वो भी इसके नीचे चला गया। गाइस, आप इस तरह से इस ग्लिच को भी यूज़ कर सकते हैं। चले गए, अब बात कर लेते हैं हम दूसरी लोकेशन के बारे में। गाइस, आपके यहाँ पर रूम्स में आना होगा, उसके बाद में आपके यहाँ पर सीक्रेट लोकेशन में आपके यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपके यहाँ पर सीक्रेट रूम बताने वाला हूँ। शायद ही आपको पता होगा, या आपके गाइस आप यहाँ पर इस रूम में आने बाद में आप अपने टीममेट को भी छुपा सकते हो। गाइस, आपके यहाँ पर सिंपली आने बाद में आपके यहाँ पर इस पर फायर करना होगा, यानी आपको गोली वगैरह चलानी होंगी। गाइस, जैसे आप यहाँ पर इस पर चलाएंगे तो आपको एक रूम देखने को मिल जाएगा। गाइस, जैसे आप यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं तो आपके यहाँ पर एक रूम देखने को मिल जाएगा। गाइस, इसके बाद में आपके यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद में आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हो। गाइस, आपके यहाँ पर आपके टीममेट वगैरह को भी नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पर इजीली उसको यहाँ पर चौंका सकते हो। गाइस, इसके बाद में आपके यहाँ पर एक गेट और देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इस पर फायर वगैरह करेंगे तो आप यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएंगे, आपको एक गेट और देखने को मिल जाएगा। आप इस गेट को यूज़ करने के बाद में बाहर आ सकते हैं। गाइस, आप इस तरह से इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इस सीक्रेट रूम को भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके टीममेट वगैरह को नहीं पता होगा तो वो भी चौंक जाएगा कि भाई इसके अंदर, इस रूम के अंदर आप कैसे गए आप। तो गाइस, आप इस तरह से इस रूम को भी यूज़ कर सकते हो। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं हम दूसरे लोकेशन के बारे में। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक के बारे में। गाइस, आप यहाँ पर जोर्ज पुल में आते होंगे। गाइस, आपको जोर्ज पुल के पास में एक स्क्वाड हाउस देखने को मिल जाएगा। गाइस, आपके यहाँ पर कोई स्क्वाड वगैरह रश मार रही है आपके ऊपर, और आप अपनी स्क्वाड के अकेले बचे हो, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस ट्रिक को आप यूज़ करने वाले हैं, आप इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको सबसे ऊपर आ जाना होगा, टॉप फ्लोर पर आपको आ जाना होगा। गाइस, इसके बाद में आपके यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको एक कंटर देखने को मिल जाएगा, आपको इस कंटर के पीछे आ जाना होगा। जैसे आप यहाँ पर इस कंटर के पीछे आएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके हाथ में गन होगी तो आपको यहाँ पर टीपी भी लेने के बाद में आप यहाँ पर इजीली सामने वाले स्क्वाड को यहाँ पर फायर कर सकते हैं, डैमेज दे सकते हैं। और कोई भी स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रही है तो आप यहाँ पर इजीली कुछ चांसेस हैं, आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद में। फिर अगर आप अपनी स्क्वाड के अकेले बचे हैं तो आप चाहें तो इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन के बारे में। गाइस, आपको यहाँ पर कमिश्की में आना होगा। जैसे आप यहाँ पर कमिश्की में आते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर मैं एक रूम और बताने वाला हूँ, आपको यहाँ पर एक सीक्रेट रूम और बताने वाला हूँ। आप उस सीक्रेट रूम में को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने टीममेट को भी छुपा सकते हैं। गाइस, आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपको इस हाउस के अंदर चला जाना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर इस हाउस के अंदर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक सीक्रेट रूम देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपको इस पर फायर करना होगा, आपको एक गेट देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपल इस पर फायर करना होगा। मैं यहाँ पर फायर कर लेता हूँ। गाइस, जैसे आप यहाँ पर फायर करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एक गेट टूट जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर सीक्रेट रूम देखने को मिल जाएगा। आप इस तरह से इस सीक्रेट रूम के अंदर भी आ सकते हैं, और आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और आप किसी स्क्वाड से बचना चाहते हैं, या आप अपने टीममेट को चुकाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस ट्रिक को यूज़ करने बाद में आप अपने टीममेट को चुका सकते हैं, या आप अपने कोई भी स्क्वाड को यहाँ पर आपके ऊपर रश कर रही है तो आप यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट ट्रिक के बारे में। अगर आपको
इस ब्रिज के पास में आ जाना होगा। आपको इस ब्रिज के पास में आने बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कैसे आप इस पेट्रोल पंप के ऊपर इजिली चढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपल करना है, आपको इस दीवार के पास में आना होगा। इसको बाद में आपको यहाँ पर जंप करने बाद में आपको इसके ऊपर चढ़ जाना होगा। इसको बाद में आपको यहाँ पर इसके पास आने के बाद में आपको यहाँ पर जंप करना होगा। लेस ग्रिप आपका काम कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पर जंप करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे करना होगा, यानी भागा आपने प्लेयर को स्प्रिंटिंग को लो कर देना होगा। और आप जैसे आप यहाँ पर आगे करने के बाद में इसको फिर से जंप करेंगे और आप यहाँ पर दो बार जंप करेंगे, दो तीन बार जंप कर लेंगे तो आपका जो प्लेयर है ऑटोमेटिकली इस छत के ऊपर चढ़ जाएगा। आप इस पेट्रोल पंप पर इजीली क्लाइंब कर सकते हो, चढ़ सकते हो। गाइस आप इस तरह से इन सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में आप अपने गेम प्ले को इंप्रूव कर सकते हो। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों साथ में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।